जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं टीचर स्टूडेंट हेल्पर। बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वार्षिक परीक्षा 2023 के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य पर्यावरण अध्ययन किया और हमने कक्षा ली हुई है कक्षा चौथी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको इस प्रकार से कक्षा चौथी के ये जो 5 प्रश्न है ये आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर इनमें से हमने प्रश्न क्रमांक 1 लिया है, आप कौन कौन से पर्व मनाते हैं और उन पर्वों को मनाने के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमने लिखा हुआ है हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, जैसे पहला दीपावली, दीपावली में दीपक जलाना और आतिशबाजी का उपयोग किया जाता है। होली, होली में रंग गुलाल खेलना। फिर तीसरा नंबर रक्षाबंधन, राखी बांधना और मिठाई खाना। और चौथा नंबर है रामनवमी, जिसमें हम पूजा अर्चन करते हैं। और नवरात्रि, मूर्ति स्थापना एवं उपवास रहने से रिलेटेड जो भी त्यौहार मनाने का हमारा प्रोसेस है हम वह करते हैं। इसके बाद फिर आता प्रश्न क्रमांक दूसरा, आप देखकर इसका आंसर लिख लेंगे। प्रश्न दूसरा है घर अलग अलग तरीकों से बनते हैं, पक्के घर, मिट्टी का घर एवं घास फूस की झोपड़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आप उन सभी की सूची बनाइए। तो सबसे पहले इसका आंसर मैंने लिखा है हमारा घर जो कि है हमारा घर पक्का है। सबसे पहला नंबर, पक्का घर बनाने में सीमेंट, ईंट, छड़, रेत और गिट्टी का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे कच्चे घर में मिट्टी, ईंट, लकड़ी, छप्पर एवं बांस। छप्पर अर्थात जो जिसमें जो हमारे खप्पर रखे हुए रहते हैं, है ना, उनको वो जो पूरा पोर्शन जहाँ पे लेंटर रहता है उसकी जगह पे जो हम छप्पर का उपयोग करते हैं वो पूरा छप्पर कहलाता है। फिर झोपड़ी, घास फूस, लकड़ी, बांस, रस्सी व मिट्टी का उपयोग करके हम झोपड़ी का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरी वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, हम एक बार फिर से प्ले कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।